उन कनेक्शंस को ढूंढेंगे जो आपके दोस्त हैं। 3 से 4 तो भी टारगेट रखिए। आपको अपडेट्स आते रहेंगे, आप उस कंटेंट को देखते रहिए, जाने अनजाने में आप पढ़ते रहोगे। मैंने क्या बोला, 5 घंटे इंस्टाग्राम करते हो ना। सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है और सैलरी जॉब से मिलती है और जॉब पढ़ाई से मिलता है। और लिंक्डइन केवल बैकग्राउंड में जा के कनेक्शन बढ़ाते बैठोगे, उससे कुछ नहीं होना है आपका। आपको विजिबिलिटी लानी पड़ेगी, दिखावा करना पड़ेगा जो आप। चलो आज फिर से मैं लिंक्डइन पे कुछ बात करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपने पहला भी वीडियो जरूर देखा होगा, लिंक ऊपर है। दूसरा भी वीडियो देखा होगा, लिंक ऊपर है। आज अपन तीसरा वीडियो और आखिरी वीडियो कर रहा हूँ। इतनी चीजें कर ली मतलब हो गया, और कुछ नहीं चाहिए। बस कंसिस्टेंटली आपको पोस्ट करते रहना है, जो मैंने पिछले वीडियो में या उसके पिछले वीडियो में जो बताया हुआ है उसे करते रहना। अब देखिए और क्या करना है। आप पिछले वीडियो में मैंने क्वालिफिकेशन की वगैरह बात की थी ना, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आप यहाँ पे आपके होम पेज पे जाओगे लिंक्डइन पे, ओके, तो आपको कनेक्शंस मिलेंगे। आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग आप सर्च करते हो ना तो मिलते हैं, ओके। आपको सर्च करना है जो आपके पहचान का मिलता है, उसको कनेक्ट की रिक्वेस्ट भेजिए। अब जब कनेक्ट की रिक्वेस्ट भेजते हो ना यार, थोड़ा सा मैसेज लिखिए, I want to connect with you. I find your skill and my skills are matching. So I just want to make connection so that it will be beneficial for both sides. क्या बोला मैंने? Connections ढूंढना है। पिछले वीडियो में कुछ पॉइंट्स देखे थे, अब इस वीडियो में कुछ पॉइंट बोल रहे हैं। तो आज का पहला पॉइंट क्या था? Connections। तो चलो आप सब लोग अभी के अभी मेरे पास, मेरे साथ इस वीडियो में रहिए, अपने प्रोफाइल को खोलिए और एटलीस्ट 3 to 4 कनेक्शंस की रिक्वेस्ट अभी भेजिए और कमेंट में लिखिए डन। जस्ट लिखिए, फायदा जरूर होगा आपको। आप अगर इसके साथ साथ करते हो, डिले मत कीजिए काम। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी कंपनी आपको लगती है जैसे इंफोसिस है, आप उस कंपनी को फॉलो कीजिए ताकि उस कंपनी के आपको क्या मिलेंगे, अपडेट। इंफोसिस ही नहीं बोल रहा हूं मैं, कोई भी आईटी कंपनी, मैक्सिमम कंपनीज को फॉलो कीजिए। फॉलोइंग किया अभी इंफोसिस को, एनीथिंग को, जैसे जिस कंपनी में मैं काम करता था, TCS कंपनी में मैं काम करता था, देखो मैंने ऑलरेडी फॉलो करके रखा है। अब जैसे मैं द किरण एकेडमी में काम करता हूँ, बीइंग उसके मैनेजमेंट टीम में हूँ मैं, तो मैं उसको भी क्या कर दूंगा, ये देखिए द किरण एकेडमी जाओ भाई, किरण यहाँ फॉलो करूँगा, यू कैन सी हियर फॉलोइंग, सो लाइक दैट। तो क्या डिस्कशन किया, पहला पॉइंट ये था कि आप उन कनेक्शंस को ढूंढेंगे जो आपके दोस्त हैं। 3 से 4 तो भी टारगेट रखिए, रोज का एक्सप्लोर कीजिए। अपने सीनियर्स को ढूंढिए, अपने बाजू आजू बाजू वालों को मत ढूंढिए, वो कोई काम में नहीं आएंगे। आप अपने सीनियर्स को ढूंढिए, अपने HOD को ढूंढिए, अपने TPO को कनेक्ट कीजिए, अपने प्रिंसिपल को कनेक्ट कीजिए, मुझे कनेक्ट कीजिए, हर उस बंदे को कनेक्ट कीजिए जिसके साथ आप कभी ना कभी कनेक्शन में आए हो। दूसरा पॉइंट क्या था, कंपनी जिनको भी आप फॉलो करते हो, जो भी कंपनीज आपकी ड्रीम कंपनीज है, जो भी कंपनीज आपके फील्ड से रिलेटेड है, आपके लिए तो IT कंपनीज है तो आप उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है ग्रुप्स, तो आपको ग्रुप्स में, जैसे मैं अगर बोलूं जावा फ्रेशर्स, देखो मैंने लिख दिया। अब जावा फ्रेशर्स के देखो यहाँ पे क्या क्या आता है, देखो जॉब्स, पीपल, पोस्ट, ग्रुप्स। अब आपको ना ये जो जावा J2 स्प्रिंग है ना, इसको जाके ज्वाइन कर लेना है। वो लोग एक्सेप्ट करेंगे आपकी रिक्वेस्ट, आपको अप्रूवल आ जाएगा। इससे क्या होगा, आपको उस ग्रुप में की अपडेट्स मिलेगी। अब उस ग्रुप में कोई फालतू बातें नहीं होती, काम की बातें होती है। आपको अपडेट्स आते रहेंगे, आप उस कंटेंट को देखते रहिए, जाने अनजाने में आप पढ़ते रहोगे। मैंने क्या बोला, 5 घंटे इंस्टाग्राम करते हो ना, खूब कीजिए, और 1 घंटा इंस्टाग्राम में बढ़ा लो, 6वां घंटा, 2 घंटे लिंक्डइन को दे दीजिए, फायदा हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है और सैलरी जॉब से मिलती है और जॉब पढ़ाई से मिलता है, और लिंक्डइन पढ़ाई, जॉब और सैलरी इससे रिलेटेड है, इंस्टाग्राम नहीं है। अब आगे की कहानी, आपने ये भी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आप नहीं करते हो, यहां जाना है। देखो स्टार्ट पोस्ट, ये रोज तो नहीं बट आई वुड से हफ्ते में 3 से 4 बार कीजिए। यहां लिखिए लर्निंग जावा बाय, कोई भी जो आपके सर होंगे लिख लीजिए, किरण सर समथिंग। इससे क्या होगा, आप उनके नेटवर्क में आ जाओगे, जो किरण के फॉलोअर्स है वो भी आपको देखने लगेंगे, उनको भी आपके बारे में पता चलेगा, इससे अपना नेटवर्क बढ़ते जाएगा, आप हाईलाइट होंगे।
आप कोई प्रोग्राम करते हो तो यहां लिखिए कि टुडे आई हैव रिटन 15 टेस्ट केसेस, रियली एंजॉयड, होप आई विल बी फिनिशिंग 150 एएसए. दिस शोज टेस्ट केसेस. स्पेल चेक वगैरह कर लेते जाइए, अदरवाइज मजा नहीं आएगा. क्या जा रहा है पोस्ट करने में, लोगों को पता चलेगा ना आपने की है तो अच्छी तो बात है ना, क्या बुरा है इसमें. सो नेक्स्ट इज एक्टिविटीज. आप जरूर पोस्ट कीजिए, अपने टैलेंट को दीजिए, लोगों को टैग कीजिए. अभी देखते हैं कितने लोग टैग करते हैं. मुझे टैग कीजिए, ऐसा ही नहीं है आप किसी को भी टैग कर सकते हो, बट करिए जरूर. आपको मैं दिखा देता हूँ बहुत सारी पोस्ट रहेगी जहां पे मेरे को भी टैग किया गया होगा. मे बी यहाँ पे देखिए, अगर आप मेंशन में जाते हो यू विल गेट टू नो दैट थिंग. ओके, बहुत सारे लोग इसकी पोस्टिंग्स यहाँ पे. तो देखिए यहाँ पे आप पोस्ट अगर देखोगे सीए, अभी जैसे अभी ये लड़का, ये कोई भी लड़का होगा, उसने देखो यहाँ पे पोस्ट किया आई वुड लाइक टू थैंक किरण. इससे क्या होगा, मेरे नेटवर्क वालों को भी पता चला, जैसा अभी ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त, उसको भी उस लड़के के बारे में पता चला. तो इसमें जो इसको लाइक्स या जो कनेक्शन बने होंगे, कुछ मेरे भी दोस्त, मैंने भी पोस्टिंग की है. तो आपको इस टाइप से अपना नेटवर्क बढ़ाना है. केवल बैकग्राउंड में जा जाके कनेक्शन बढ़ाते बैठोगे, उससे कुछ नहीं होना है आपका. आपको विजिबिलिटी लानी पड़ेगी, दिखावा करना पड़ेगा, जो आप करते हो वो एक्सपोज करना पड़ेगा, तभी आपका भला होगा. तो गाइज मैंने बहुत सारे पॉइंट्स के साथ आपको लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में बताया. टोटल 3 वीडियोस बनाई है, बार बार देखिए और अपना प्रोफाइल वैसे के वैसा बनाइए. आपको कुछ भी अगर इसमें पसंद नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. अभी कॉलेज में के जो लड़के हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, उनको दीजिए अगर आपके दोस्त हैं. फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो को अभी के अभी शेयर कीजिए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लड़कों. अरे अभी से उनकी एक्टिविटी जमा होने चालू हो जाएगी, जैसे कॉलेज में वो ज्वाइन किए, कॉलेज में कुछ हुआ, कॉलेज में कोई इवेंट हुआ, सब कुछ डालते डालते उसकी स्टैक बनेगी. हिस्ट्री है, एक दिन में नहीं होता. आप ऐसा मत सोचिए ओवरनाइट में लिंक्डइन बना के कुछ तो अचीव कर लो, कुछ नहीं होना है, बट प्रयास करते रहना है. आपकी शुरुआत है, कुछ लोगों का ये अंत है. दूसरों का अंत अपने शुरुआत से अगर कंपेयर करोगे तो हमेशा फ्रस्ट्रेट रहोगे. हर किसी को कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है और वो लास्ट तक जाता है. आप में से बहुत से लोग मिस्टेक क्या करते हो, आज चालू खुद करते हो और दूसरे ने 2-4 साल से किया होगा, उसे कंपेयर कर बैठते हो और इसमें आप फंस जाते हो. डोंट गो इनटू कंपैरिजन मोड. अभी भी समय गया नहीं है, दिन चालू हुआ है, आज से अपना चीजें चालू करो. आप लिंक्डइन पे जाइए और कुछ ना कुछ अच्छा बनाइए. होप करता हूँ, आशा करता हूँ आपको इससे फायदा हुआ होगा. थैंक यू.